तो हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो ऑन 11 टाइप्स ऑफ हॉर्न्स यूज्ड इन इंडियन रेलवेज। स्टार्ट 11 टाइप्स ऑफ हॉर्न्स एंड व्हाट दे मीन इन इंडियन रेलवेज। तो अब हम आपको बताएंगे वन शॉट हॉर्न का मतलब क्या होता है। तो अ स्मॉल हॉर्न मीन्स द मोटर मैन वुड टेक द ट्रेन इन द यार्ड वेयर इट वुड बी वॉश्ड एंड क्लीन फॉर इट्स नेक्स्ट ट्रिप। तो अगर ट्रेन एक बार हॉर्न बजाती है तो इसका मतलब यह होता है कि अब वह ट्रेन धोने के लिए जाएगी अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए रेडी होने के लिए। जैसा कि आपने अभी सुना, वन शॉट हॉर्न कुछ ऐसा होता है। टू शॉट हॉर्न, अगर ट्रेन दो बार तो हॉर्न बजाए तो इसका मतलब यह होता है कि व्हेन द मोटरमैन गिव्स टू स्मॉलर हॉर्न्स ही इज सिग्नलिंग द गार्ड टू आस्क रेलवे सिग्नल फॉर स्टार्टिंग द ट्रेन। अगर ट्रेन दो बार हॉर्न मारती है इसका मतलब भी जो गार्ड होता है उसको सिग्नल दिया जाता है ट्रेन स्टार्ट करने के लिए। अगर थ्री स्मॉलर हॉर्न्स मारे जाते हैं तो इसका मतलब होता है डेंजर। Motorman really press the horn thrice because if they do, it means they have lost control over the motor and that the guard has to immediately pull the vacuum brake. अगर हमारे ट्रेन का जो इंजीनियर होता है, जो ट्रेन को चलाता है, उसने तीन बार स्मॉल हॉर्न बजाए तो इसका मतलब यह होता है कि ट्रेन पे से उसका कंट्रोल खो चुका है और वह अब जो सबसे पीछे वाली बोगी में रहता है गार्ड उसको इमिजिएटली मैसेज देता है वैक्यूम ब्रेक पुल करने के लिए। वैक्यूम ब्रेक एक ऐसा ब्रेक रहता है जिसको पुल करने से पूरी ट्रेन रुक जाती है। फोर स्मॉलर हॉर्न्स, द फोर स्मॉलर हॉर्न्स डिनोट दैट देयर इज अ टेक्निकल इश्यू विद द ट्रेन एंड दैट द ट्रेन वुड नॉट गो अहेड। अगर चार बार हॉर्न मारती है ट्रेन चार बार तो क्या होता है, ट्रेन रुक जाएगी और बहुत देर तक नहीं चलेगी क्योंकि कोई टेक्निकल इश्यू होता है इसलिए। तो नेक्स्ट, वन लॉन्ग हॉर्न एंड अ शॉर्टर वन। अगर ट्रेन एक बड़ा सा हॉर्न और एक छोटा हॉर्न मारती है इसका मतलब यह होता है कि दिस हॉर्न मीन्स दैट द मोटरमैन इज सिग्नलिंग द गार्ड टू सेट द ब्रेक पाइप सिस्टम बिफोर द स्टार्ट इंजन। तो ये कुछ ट्रेन में ब्रेक पाइप सिस्टम लगाने के लिए पहले से जो मोटरमैन रहता है उसको सिग्नल कर दिया जाता है कि अभी ट्रेन चालू होने वाली है, ब्रेक पाइप सिस्टम को लगा दें। टू लॉन्ग हॉर्न्स एंड टू शॉर्ट हॉर्न्स, दो बड़े बड़े हॉर्न्स मतलब दो लंबे हॉर्न्स और दो छोटे हॉर्न्स मतलब यह होता है द मोटर मैन इज सिग्नलिंग द गार्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ द इंजन। मतलब कि जो मोटर मैन होता है वो गार्ड को सिग्नल करता है कि अब मैं थक चुका हूँ और अब तुम ट्रेन को चलाओ। A continuous horn is blown for alerting the passenger that the train is passing non-stop through many stations. अगर आप कभी ट्रेन का सफर करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब ट्रेन कभी किसी स्टेशन पे नहीं रुकने वाली होती है तो एकदम स्पीड में पॉ करके जाती है। तो जब स्टेशन पे नहीं रुकती है तो लंबे हॉर्न के साथ स्पीड में निकल जाती है, जैसा कि आपने कई बार राजधानी को देखा होगा। टू हॉर्न्स विद टू पॉजेस, अगर टू हॉर्न्स मारे जाते हैं टू पॉजेस के साथ, दिस सिग्नल इज टू अलर्ट द पासर बाय दैट द ट्रेन वुड बी रनिंग थ्रू अ रेलवे क्रॉसिंग। तो ये जो पासर बाय, जैसे कि आपने देखा होगा वो बड़े से फाटक लगे रहते हैं, तो वो एक बार टू हॉर्न्स मारते हैं टू पॉजेस के साथ, इसका मतलब कि जो पासर बाय जो फाटक के उधर लोग खड़े हैं, कृपया अभी ट्रेन आगने वाली है तो इसलिए फाटक को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। टू लॉन्ग एंड शॉर्ट हॉर्न्स, दो लंबे और दो छोटे। इफ द मोटरमैन ब्लोज दिस हॉर्न्स इट मीन्स दैट द ट्रेन इज चेंजिंग द ट्रैक। अगर दो लंबे और दो छोटे हॉर्न मारे जाए तो इसका मतलब यह होता है कि ट्रेन अभी अपना ट्रैक चेंज करने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू शॉर्ट एंड वन लॉन्ग हॉर्न, दिस साउंड मीन्स दैट अ पैसेंजर हैज पुल्ड अ चेन और द गार्ड हैज पुल्ड अ
वैक्यूम ब्रेक, अगर दो छोटे हॉर्न और एक बड़ा हॉर्न मारा जाए, इसका मतलब किसी ने ट्रेन की चेन घिस दी है और ट्रेन अब रुकेगी, या फिर कभी कभी अगर किसी ने गार्ड ने वैक्यूम ब्रेक लगा दिया है तो तब भी ये हॉर्न बजाया जाता है। सिक्स टाइम्स शॉर्ट हॉर्न्स, इट्स अ ट्रबल सिग्नल वेयर द ट्रेन इज स्टक इन अ डेंजरस सिचुएशन। तो अगर कभी भी छह टाइम हॉर्न बजे तो समझ जाइए कि आप ट्रेन किसी डेंजरस सिचुएशन में है और वो फंस चुकी है। थैंक यू एंड धन्यवाद।